74 75 दिनों से हम लोग इस धरना स्थल पे बैठे हैं, कोई हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर होकर एक कदम आगे बढ़ने की सोच रहे थे, पर उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली और हमें बीच रास्ते से ही लौटा दिया गया। हम लोग सचिवालय जा रहे थे, यहाँ चूंकि हम लोग 75 दिन से बैठे हुए हैं, सचिवालय जाके वहाँ अपनी बात को रखते, लेकिन पुलिस और प्रशासन बीच से ही हम लोग को लाठीचार्ज करके हम लोग को वापस करते कि सरकार हमारी बात सुने। हम लोग नॉर्मल बच्चों के लिए काम नहीं करते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज 24। देखिए, पिछले 75-76 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल भरा पड़ा रहता है विशेष शिक्षकों से। आपको हमने जैसा कि कल दिखाया था कि वीरेंद्र सिंह नाम के आरा के रहने वाले विशेष शिक्षक जिनकी मृत्यु हो गई थी धरना देते देते, उनको लेकर श्रद्धांजलि निकाली जा रही थी बैनर लेकर, लेकिन प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज कर दिए गए विशेष शिक्षकों पर और महिला विशेष शिक्षिकाओं पर भी पुरुष प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। नई बात नहीं है, शुरुआत से अगर देखा जाए तो बिहार की जो प्रशासन है वो पुरुष प्रशासन जो महिला कार्यकर्ताओं पर या महिला शिक्षिकाओं पर या महिला आशा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करती हैं, तमाम खबरें आपको पता ही होगा। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण हड़ताल किया जा रहा था आप लोग की तरफ से, अचानक से बैनर लेकर आप लोग निकलती हैं शांतिपूर्ण श्रद्धांजलि देने के, लाठीचार्ज कर दी जाती है, पुरुष प्रशासन महिलाओं पर भी अत्याचार करती है, किस नज़रिए से आप इसको देखती हैं? ये एक तरह से तानाशाही सरकार का द्योतक है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी मांग को रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बाकी और क्या कहा जाए, हमारे बीच के एक साथी चले गए, इसका हम लोग अपने तरीके से दुख भी हमें प्रकट नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसमें भी हम लोगों को बीच रास्ते से ही लौटा दिया गया। अच्छा, शुरुआत से क्या आप कहानी बता सकती हैं, क्या क्या हुआ था? आप लोग यहाँ पर आकर बैठी, हमेशा की तरह धरना दे रही थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि लाठीचार्ज का नौबत आ गया? लाठीचार्ज की नौबत बस इसलिए आई चूँकि हम लोग सचिवालय तक जा रहे थे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए जा रहे थे, हमने कोई हिंसात्मक साधन भी नहीं अपनाया था। विगत 74-75 दिनों से हम लोग इस धरना स्थल पे बैठे हैं, कोई हमारी बातों को सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग मजबूर होकर एक कदम आगे बढ़ने की सोच रहे थे, पर उसमें भी हमें सफलता नहीं मिली और हमें बीच रास्ते से ही लौटा दिया गया। तो जिस तरीके से सरकारें बदल रही है, शिक्षा मंत्री बदल रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदल रही है। हम हमारी स्थिति को लेकर के ही यहाँ तक बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। अगर हमारी स्थिति नहीं भी बदली तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। शुरुआत से देखने को मिलता है हमारे बिहार में ही कि पुरुष प्रशासन महिलाओं पर लाठीचार्ज करती है और आज भी वैसा ही कुछ देखने को। हम लोग सचिवालय जा रहे थे, यहाँ चूंकि हम लोग 75 दिन से बैठे हुए हैं, 75 डेज हो गया, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम लोग सचिवालय जाके वहाँ अपनी बात को रखते, लेकिन पुलिस और प्रशासन बीच से ही हम लोग को लाठीचार्ज करके हम लोग को वापस करते। और इसे आप देख सकते हैं जिस तरीके से विशेष शिक्षक भरे पड़े हैं, विशेष शिक्षक भरे पड़े हैं, विशेष शिक्षिकाएं भरी पड़ी। आपको जो भी कहानी थी वो हमने बता दी है और हम बात करेंगे और आपको बताते हैं जिस तरीके से 75-76 दिनों से धरना दिया जा रहा विशेष शिक्षकों की तरफ से, शिक्षिकाओं की तरफ से। 3 दिसंबर गया, 4 जनवरी गई, कहने का अर्थ ये है कि जो भी दिन इनके लिए महत्वपूर्ण था वो सारा दिन गया, त्यौहार भी गया। आखिरकार अगर आचार संहिता लागू होने वाली है उसको देखते हुए भी अभी तक उग्र ना होते हुए शांतिपूर्ण हड़ताल करते रहे विशेष शिक्षक, लेकिन उस पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। क्या मन में ये डर नहीं था कि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा? देखिए, हम लोग अभी तो आचार संहिता तो अभी लागू होने वाला है, लेकिन पिछले 75 दिन से हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सरकार हमारी बात सुने। हम लोग नॉर्मल बच्चों के लिए काम नहीं करते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं, जिसमें शिक्षक के अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी हैं। बिहार सरकार एक तरफ जहां फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को 65,000 पे बहाल कर रही है, नॉर्मल शिक्षक को अभी जो बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है उनकी 40,000 से बहाली हो रही है, और हम लोग पिछले 16-17 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। ज़्यादा हमारा कुछ डिमांड नहीं था, अब सरकार इसके लिए जो करती, सचिवालय से के पाठक सर या वहाँ जो भी हमारे लिए वो लोग निर्णय लेते।
सचिवालय हम लोग के पाठक सर से भी मिलते, वो लोग हमारे लिए थोड़ा सा तो सोचते कि इन लोगों की सैलरी जो है बहुत कम है 14,700, तो इस पर दिव्यांग बच्चों पर चूंकि काम करते हैं तो हम लोग पर भी वो ध्यान देते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि विशेष शिक्षक किस तरीके से लगातार धरना स्थल पर ही जमे हुए हैं। मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं, उनसे हम बातें करेंगे और उनसे भी हम जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों विशेष शिक्षकों के साथ ऐसा होता है कि शांतिपूर्ण सिर्फ एक समायोजन की मांग को लेकर जो पिछले 75-76 दिनों से धरना दे रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्या होता है कि उन पर लाठीचार्ज कर दी जाती है प्रशासन की तरफ से। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहे, देखते रहे 24। मैं नंदन अपने राहुल के साथ, धन्यवाद।